तो जी सब देखने वालों को असदुल्ला केवी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो इस वक्त जो है ना कुहाड़ के मौसम की तो बात ही नहीं करनी, इस मौसम के साथ और इस टाइम के साथ जो है ना मैंने आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये है मेरा व्लॉग नंबर जी 282। तो बिल्कुल कल की तरह हूबहू मैंने ट्यूशन के लिए निकलना है और उसके लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट सिर्फ केड़िया पहननी है और यहाँ से कुछ एक पेन उठा लेंगे। ये मेरे सारे पेन होते हैं, ठीक है। इसमें से ये पेन मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर पेन मैंने पिक कर लिया है। और इसी के साथ एक और चीज़ भी थी भाई, बुक थी, बुक कहाँ गई है? बुक थी यहाँ पे, अच्छा वो शायद उस रूम में होगी। ये बुक जो है ना मैंने उठा लिया, सामने लेम्बो खड़ी है और ये थोड़ी थोड़ी गीली भी है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से इसको सुख ओ तेरी दरवाज़ा बंद है, जल्दी से इसको सुखा देते हैं और निकालते हैं इसको बाहर। ओ अबू ने ना सुन लिया वरना मेरी खैर नहीं होगी। ठीक है भाई बैठ जाएंगे तो खुद ही सूख जाएगी। इशारा किस लिए ऑन है भाई, बंद हो जा। बस दरवाजे को उसी तरह फिर से लॉक कर देते हैं, इतनी शाइनेस। हाँ आपसे हो गया। चलो जी ये मौसम है बाहर का, ये सीन है भाई। जी बारिश होने की वजह से हर एक चीज क्लियर वाजे और अच्छी नजर आ रही है भाई। तो बहरहाल बड़ा मजा आ रहा है ट्यूशन जाते वक्त भी। अभी कुछ दोस्त पता नहीं मुझे इस वक्त कॉल कर रहे थे लेकिन मैंने पिक नहीं की भाई। मैं आपको ब्लॉग में बता देता हूँ कि आई एम वेरी बिजी और इंशाल्लाह संडे को आपको रिप्लाई दूंगा। हाँ मजाक करो भाई, मतलब है कि शाम को फ्री होकर मैं आपको मैसेज करता हूँ। आगे से जो है ना राइट लेते हैं और निकलते हैं भाई ट्यूशन के लिए, पीछे तो कोई नहीं है भाई। हाँ चलो जी मैं यहाँ पे इस गली में एंटर हो चुका हूँ फेज टू की। और बहरहाल अभी जो है ना ट्यूशन से फ्री होकर 2 घंटे बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। दूसरे ट्यूशन जब जाएंगे फिर से ब्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीन है, यहाँ तक पहुँच गया, इंशाल्लाह मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 घंटे बाद नहीं 2 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, तो बिल्कुल उसी तरह 2 घंटे बाद आपसे मिल रहा हूँ। असर की नमाज मैं जो है ना पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे फिर से डबल रोड की तरफ आ चुके हैं और अभी जो है ना दूसरे ट्यूशन की तरफ जा रहे हैं भाई। तो ये सीन है, दूसरे ट्यूशन से हम मगरिब की नमाज के साथ फ्री होंगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं मगरिब की नमाज के वक्त। अभी जो है ना हम आ चुके हैं ट्यूशन से और ट्यूशन से जैसे ही आए हैं अभी तकरीबन यही कोई टाइम बज रहा है भाई। ये फोकस हो जाओ भाई, हर बार आप सही टाइम नहीं। हाँ तो टाइम इस वक्त ये बज रहा है, ठीक हो गया। 8 कप के मेरे से हो चुके हैं, जल्दी से चेंज करते हैं और निकलते हैं जिम के लिए। और जिम के लिए जाते हैं, जिम का आज मेरा थर्ड डे है और आज मेंबरशिप कर भी लेंगे, पैसे भी आज दूंगा। 2 दिन में वैसे ही गया था, मैंने कहा भाई मैं चेक करता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब डैमेज एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भी आपका भाई मैनेज कर पा रहा है। तो बस चेंज करते हैं और निकलते हैं जिम के लिए, इंशाल्लाह आएंगे 9:15 को। और यही सीन है भाई, यही सीन है। तल्ला कैसे हो? इसने हमेशा कमीज नहीं पहनी होती फिर भाग गया है। ओके मैं जिम से वापस आ गया था, फिर थोड़ी सी रीडिंग की है, लेकिन 2-3 दिन का बीच में गैप था तो रीडिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल फिर अपने ट्रैक पे वापस आएंगे। टाइम ये बज चुका है, मतलब मेरे सोने का टाइम है, तो सोने के लिए चलते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, वर्ड ऑफ द डे और ट्रेंडिंग न्यूज़ भी शायद हो, तो दोनों के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो भी चलते हैं सोने के लिए। क्वार्ट में जो है ना बिल्कुल आज सुबह सुबह फिर से तेज़ हवा शुरू है और बारिश का इम्कान भी है। इसी के साथ जो कल का व्लॉग मैंने यहीं पे खड़े होते हुए यही सीन शो कराते हुए शुरू किया था और आज का व्लॉग एंड भी यही इसी तरह कर रहा हूँ, यहीं पे खड़े होके। लेकिन उससे पहले जो है ना आज का वर्ड ऑफ द डे सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज का जो हमारे पास वर्ड ऑफ द डे है वो है कॉम्प्रीहेंड। तो इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करते होते हैं और इसका मतलब है कि ग्रास्प मेंटली, और इसका मतलब हुआ कि अंडरस्टैंड। तो अगर इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे ना तो कुछ इस तरह इस्तेमाल हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रीहेंड। तो बहरहाल यार ये था आज का हमारे पास वर्ड ऑफ द डे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।